क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जो है वो सपोज कर लेंगे कि दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल का हम नाम ले लेंगे पहले, दैट इज ए बी सी एंड डी, ओके ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मीट पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स में मीट पॉइंट दिए हुए हैं। मतलब देखिए कि यहाँ पर ए बी है तो इसका मीट पॉइंट पी हम ले लेते हैं, और इसके अपोजिट में भी है, दैट इज यहाँ पर मीट पॉइंट है, यहाँ पर है, तो इसका अपोजिट में भी मीट पॉइंट दिया हुआ है। तो हमने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। अब इससे क्या बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो इससे लाइन सेगमेंट जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, और एक हमारा यहाँ पे बन गया, और एक हमारा यहाँ पे बन गया। अब क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है आपको। तो ये हमारे पास तो दिया हुआ था कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उन सारे मिड पॉइंट से जोड़कर लाइन सेगमेंट को कुछ शेप देना है। तो एक पी क्यू आर एस शेप मिला मुझे, जिसमें ये कह रहा है कि ये जो बना दैट शो कीजिए कि ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा हो गया है। तो देखिए पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना है कि यहाँ प्रूफ करना क्या है। प्रूफ जो आपको करना है वो ये करना है कि यहाँ पे ये जो बना है शेप, इसके जो डायगोनल्स है, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो अब ये सवाल है कि हम ये कैसे प्रूफ कर ले। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं इस पूरे शेप को, यानी कि पी क्यू आर एस को, अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट क्या करते हैं। तो देखिए पहले रफली आपको इस तरह से सोच लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे पूरा जितना जोर लगाना है इस पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करने में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा हार्ड है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल से हम कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट पकड़िए आप, मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो डेफिनेटली मिड पॉइंट से हम मिड पॉइंट थ्योरम तक पहुंच सकते हैं। तो जब मिड पॉइंट थ्योरम तक अगर हम पहुंचते हैं तो उसके लिए हमें ट्राइंगल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डायगोनल खींचते हैं। तो हमने एक एसी डायगोनल खींच लिया है। अब देखिए अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे इन ट्राइंगल ए डी सी के पास। थोड़ा सा देखिए यहां पर हमने क्या किया, एक इस तरह से यहां पर ए डी एंड सी ट्राइंगल कर लिया, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एस मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, और इससे एक लाइन सेगमेंट जुड़ा हुआ है, दैट इज एस आर। तो ये दिखाई दिया। तो आपको पता है कि जब एस आर दोनों मीट पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो एस है एंड आर है, ये दोनों क्या है, मीट पॉइंट हैं, मीट पॉइंट्स हैं। कहाँ से, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब जब ये मीट पॉइंट्स हैं तो इनसे जो लाइन सेगमेंट बनेगा एस आर, ठीक है, एस आर जो बना हमारा, तो हमारा जो एस आर लाइन सेगमेंट बना ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ट्राइंगल के किसी थर्ड के, दैट इज ए सी हो जाएगा। गुड। अब देखिए ये तो होगा ही होगा, साथ में और क्या हो सकता है कि जो एस आर है इक्वली हाफ होगा किसके, ए सी के। ये एक हो गई बात, इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा सिचुएशन सोचेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सोचने के लिए कुछ है नहीं, तो अब डेफिनेटली हम देखेंगे अब क्या कर सकते हैं भाई। तो अब हमें पलटना पड़ेगा ट्राइंगल को। तो हम दूसरे ट्राइंगल में चले जाते हैं ए बी सी में, यानी कि हम कुछ इस प्रकार से चले जाते हैं, इस तरह से
ये हो गया ए सी एंड बी। तो देखिए हमने इस ट्रायंगल के अंदर आ गया है ए बी सी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर मीट पॉइंट हमारे पास कौन है, पी है, और यहाँ पे मीट पॉइंट हमारा कौन है, क्यू है। इससे एक लाइन सेगमेंट पी क्यू बन गया है। तो आपको पता है कि अगर दो मीट पॉइंट्स दिए होते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर तो जो इस मिड पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनता है वो पैरेलल हो जाएगा इसके और इक्वल हाफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड यही पी क्यू इक्वल हाफ हो जाएगा किसके, ए सी के। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा और यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा आपका, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा, हमने इसको इक्वेशन टू मान लिया। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एस आर पैरेलल टू, देखिए एस आर पैरेलल टू ए सी। अब ए सी की जगह पे क्या रखा हुआ, पी क्यू, तो हम यहाँ पे पी क्यू रख दिए। तो आपने क्या देखा कि ये वाला जो एस आर है और ये वाला जो पी क्यू है ये आपस में पैरेलल हो गए। और साथ में इससे हम क्या ले लेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एस आर है इक्वल टू हाफ ए सी के बराबर है, और हाफ ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो हमारा यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा। तो हमारा ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल एंड इक्वल है। और अगर ऐसा होता है तो हमें ये बात तो पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास पी क्यू आर एस बना, ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो आपको ये भी बात पता है कि ये जो डायगोनल्स यहाँ पर हैं, यानी कि जो आपकी ये डायगोनल्स दिखाई दे रहे हैं एस क्यू और आर पी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट क्या करेंगे। तो हम लिखेंगे कि डायगोनल्स एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट इच अदर। ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट इच अदर करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट क्या करते हैं।